हेलो गाइस, उठ चुके हैं। ये पता नहीं अनदर व्लॉग है या कंटिन्यू व्लॉग है ना गाइस। तो भाई उठ चुके तो कब बहुत पहले थे। तो गाइस अब चलो यार देखते हैं अभी कुछ ब्रेकफास्ट के। इनसे पूछो ये तो कह रहे भाई 10 बजे। हम भाई साहब 7 बजे से वेट कर रहे हैं। हमने कहा चलो कुछ तो आएंगे, अब देखते हैं। चलो भाई नीचे वीचे जाते हैं, नीचे वीचे चलते हैं, नीचे कुछ जाके खाते हैं। बाहर तो आ भाई, यहाँ तो सब बंद है। कह रहा हूँ जोमेटो कर लेते हैं या कुछ और कर लेते हैं, फाइनल ऑप्शन नहीं बचता। अपना ऑर्डर दे दिया हमने पागल भाई, ठीक है। और अंडे और अंडा चाय भाई, थोड़ा सा ब्रेड बटर, थोड़ा सा ये सब खाएंगे, भूल गया थोड़ा बहुत। बाकी कुछ और कुछ खाना हुआ तो जोमेटो वगैरह ट्राई कर लेंगे। बाकी तो फिलहाल भूख लग रही है बहुत तगड़ी वाली, उन्होंने बोला रूम में भेज देंगे। मैंने कहा इससे बड़ी तो क्या ही बात हो सकती है। फाइनली अपना नाश्ता आ चुका है, दिखाऊँ तो मैं दिखाता हूँ पहले। ये रहा अपना नाश्ता, आ चुका है ऐसा कुछ भाई। अचार, ये अपने परौंठे, ये अपनी चाय हो रही है। हाँ चलो भाई बोले खाते हैं। मुझे तो नहीं लगता इसके बाद हमें बाहर से मंगाने की जरूरत पड़ेगी, बट ठीक है देख लेंगे। फाइनली रेडी हो चुके हैं और अब निकल रहे हैं हम जलियांवाला बाग के लिए। जलियांवाला बाग के बाद फिर हम जाएंगे डायरेक्ट आपका वहाँ से अपना वाघा बॉर्डर। सो चलो गाइस रेडी हो चुके हैं, चलो निकलते हैं फटाफट से, है ना। बहुत लेट हो चुके हैं वैसे ही गाइस, ऐसा कुछ तुम्हारा भाई रेडी हो चुका है। सो गाइस चलो जल्दी जल्दी अपना कपड़े पहनते हैं, अब कपड़े तो पहन लिए सॉरी, अपना शूज़ पहनते हैं, शूज़ पहन के निकलते हैं और फिर हम हो जाते हैं परार जलियांवाला बाग के लिए। उसके बाद वहाँ से जाएंगे सीधा हम वाघा बॉर्डर। चलो भाई जल्दी जल्दी चलते हैं फिर, फटाफट करना है सारी चीज़ें क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं ऑलरेडी। इट्स पता नहीं कितने बज रहे हैं यार, 21 तो हो ही चुके हैं भाई, 19 हो चुके हैं, 2 मिनट आगे है। चलो भाई जल्दी फटाफट चलते हैं। तो देखो हमारे को घर में गेम तो खेलने देते नहीं है, इसलिए हमने स्पेशली एक एसी वाला रूम बुक करा है। हम गेम खेलेंगे बैठ के, फोन हीट नहीं होगा। ओ भाई चलो दिस वॉज ऑल अबाउट जोक, ठीक है। अपना खेलते हैं गेम, घर में भी खेलते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो भाई जल्दी जल्दी फटाफट निकलते हैं यार। और गाइस एक बात बताता हूँ, हम दोनों के पास किसी के पास बेल्ट नहीं है, बेल्ट हम दोनों से कोई नहीं लाया। अब नीचे जाएंगे अब हम करेंगे देसी जुगाड़, हम पहनेंगे पैंट में नाडा या फिर देखते हैं बेल्ट बुल्ट, देखते हैं कोई मिल जाए बढ़िया बढ़िया सी, मतलब लेदर लूदर की मिल जाए। अब वाली ख़राब हो जाती है, रैक्सीन की होती है, वो रैक्सीन वाली ख़राब हो जाती है, लेदर में भी डिज़ाइन किया जाती है वुडलैंड की, वो ले लेंगे बढ़िया करके। तो गाइस अपन ने कर लिया है भाई, हमारे रेडी है देखा, अरे भैया लेके जाएंगे हमें, है ना भाई। ओके भैया है ना, और कॉल कर देना आप। तो ये अभी पीछे हमारे पार्टीशन म्यूज़ियम है, पार्टीशन म्यूज़ियम से अब हम अभी उतरे हैं, जस्ट यहाँ से आएंगे जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग से फिर घूम के बड़ी लूट माट मचा रही है यहाँ पे यार, जबरदस्ती की हाँ। पीछे खड़ी है 4x4 स्कॉर्पियो, पहले जलियांवाला बाग घूम लेते हैं यार। चलो भाई पहले जलियांवाला बाग घूम लेते हैं, उसके बाद आपको डायरेक्ट वहीं पर घुमाते हैं आपको पहले ना। देखो यहाँ चाय पॉइंट वाई पॉइंट वगैरह भी है काफ़ी सारा, ये देखो पीछे बाकी जलियांवाला बाग चल रहा है, हम ये मेन एंट्रेंस से जा रहे हैं भाई जलियांवाला बाग। भाई एंट्री की है जलियांवाला बाग, हाँ जी पता नहीं मैं ही फर्स्ट टाइम आया सही बात है, सही बात यार, इतना तो लूटते हैं, एंट्री फ्री कर दो यार, फ्री दिखी है मैं तो फिलहाल, देखते हैं भाई क्या है यहाँ पे। थोड़ा बड़ी गर्मी है भाई, बहुत गलत मौसम में आए हैं पता है, इतनी गर्मी है यहाँ पे, अनकंट्रोलेबल गर्मी है भाई, बहुत गंदी गर्मी है, पसीना छूट रहे मिनट में भाई। गैलरी है यहाँ पे, अब यहाँ पर पता नहीं क्या वीडियो रिकॉर्ड होना हो अलाउड होना हो, मैं तो ऑन करके चल दिया।
हमारे पास भी है सीसीटीवी हमारा। हेलो भाई, तुम्हें छोटा छोटा स्नीक पिक दे देता हूँ सारा। नोट टच बाकी भाई, अब धीरे धीरे करके सारा पढ़ लेना ना, क्या लिखा क्या नहीं लिखा। बाकी मैं तुम्हें सब कुछ दिखाई रहा हूँ। चलो भाई इसको ही पढ़ लेना पॉज करके। भाई यहाँ पर स्टोरी वगैरह बता रहे हैं भाई। ये तो यार उसी टाइम में गुस्सा, ये ऐसे ही बट होगा पार्टीशन में। हाँ पार्टीशन में होगा, पार्टीशन जाएंगे वहाँ पर कल। कल आपको पार्टीशन दिखाएंगे, पार्टीशन म्यूजियम। और बाय गॉड वो उधर मतलब अच्छा होगा वो काफ़ी मेरे हिसाब से, जहाँ तक मुझे लगता है। बाकी अमर ज्योति है। चलो भाई बाकी और घूमते देखते। भाई ये देखो अमर ज्योति देख ली, गैलरी देख ली हमने। अब बच्चा है सेल्वेशन ग्राउंड अगर गलत बोल रहा तो कोई नहीं, सॉरी भाई। बुलेट मार्क्स और बैटरीज मेमोरियल सॉरी। कोई तो शायद वीआईपी वीआईपी आया, देखो कैमरामैन वगैरह इतने सारे पुलिस वगैरह है। बाकी तो पता नहीं यार मुझे, मिनिस्टर हो या कोई सिंगर सुंगर हो सकता है, हमें क्या पता भाई, हम इतना पंजाबी गाने नहीं सुनते भाई। ये देखो यहाँ पर है बुलेट मार्क्स, देखो गोली गई निशान। गोली के निशान, इतने सारे निशान है देखो। यहाँ देखो भाई, यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं। यहाँ देखो यहाँ पर अच्छे अच्छे से ये सारे मतलब गोली के निशान है भाई, फुल तगड़ा सी। बाकी ये देख लो भाई, यहाँ सब लिखा है, पॉज करके पढ़ लो। तो भाई टोटल 36 गोलियाँ, 36 गोलियों के निशान है वहाँ पे। तो बाकी उसके पूरा जो मैंने तुम्हें दिखा दिया उसमें पढ़ लेना पूरा चीज़ है ना। हाँ और भाई गर्मी ना बहुत गंदी हो रही है, मैं तो सजेस्ट करूँगा तुम अगर किसी को यहाँ पर आना हो ना तो सर्दियों के टाइम आना, वहाँ पर तुम्हारे को ज़्यादा और बेटर अच्छा लगेगा। और अभी जैसे वाघा बॉर्डर जा रहे हैं भाई, वहाँ पर भी सर्दियों के टाइम में सही है, वहाँ बहुत गर्मी होने वाली है अभी। पता मैं अक्टूबर नवंबर में जाओ यार, गर्मियों में सर्दियों में, सर्दियों में जाओ, सर्दियों में ही जाओ। पॉज करके पढ़ लेना, मैं खुद पॉज करके पढ़ने वाला हूँ घर जाके, क्योंकि भीड़ इतनी है ना, वैसे पढ़ना मुश्किल है। बाकी हिंदी में जिसको पढ़ना पॉज करके पढ़ लो। अमृतसर कांग्रेस सेशन ये भी पढ़ लो भाई, जिसको पढ़ना हो ये लो भाई हिंदी में, ये लो इंग्लिश में। भाई मोस्टली तो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में दिखा दिया, जिसको जो बेटर लगे वो पढ़ लेना हिंदी में, जिसको इंग्लिश में पढ़ना इंग्लिश में पढ़ लेना। मैं खुद ही नहीं पढ़ पा रहा है पर गार्ड भगा दे रहे हैं, तो हम भी भाई घर जाके पढ़ेंगे आराम से बैठ के या होटल वगैरह में जाके पढ़ेंगे क्या लिखा क्या नहीं लिखा है ना। और बाकी तुम्हारे भाई का हिस्ट्री में इंटरेस्ट बिल्कुल ज़ीरो है, ठीक है। मेरा हिस्ट्री में इंटरेस्ट उतना ही है जितना मेरा एक चीज़ बोली है वो मैंने कट कर दी है, ठीक है, वरना पगे लफड़े हो जाएंगे उससे। चलो वही आगे चलते हैं। यहाँ पर भी है बुलेट मार्क्स, ये तो कुआं है शायद। दिख रहा है इसमें, ये लो दिख रहा होगा तुम्हें कुछ काफी हद तक। वहाँ पर एक बुलेट चली थी, वहाँ का वो है होता लाइट शो रात को ना, तो फिर 6:30 बजे लास्ट एंट्री होती है। अभी हमने गार्ड जी से पता करा है, उन्होंने ऐसा ऐसा बताया अभी हमें फ़िलहाल है ना। और बाकी इसके पहले होती है, पहले पंजाबी में होती है 7 बजे, उसके बाद 15 हाँ
पहले फिर जो फर्स्ट शो देख लेते हैं पंजाबी वाला, उनको हटा देते हैं, फिर बाद में बिठाते हैं, हिंदी शो होता है 15 मिनट बाद। तो ऐसा है, अपने अकॉर्डिंग देख लो ना, अपने अकॉर्डिंग देख लेना कब कैसे आना है। तुम्हें सारा मैंने बता दिया, मगर लास्ट एंट्री 6:30 बजे है, उसके बाद एंट्री नहीं मिलेगी। तुम एग्जिट तो खो सकते हो बट एंट्री नहीं मिलेगी, तो वो चीज़ ज़रूर ध्यान में रखना। हेलो भाई, गैलरी नंबर 2 यहाँ पर ये आफ्टर दस्टर। हेलो पढ़ लो भाई, हिंदी में ऊपर है, इंग्लिश में पंजाबी। हेलो भाई, भाई वर्षा का होता ही मैं समझा आपको, मुझे पता होता सब कुछ। हेलो भाई, सब पढ़ लो ठीक है। नाइट ऑफ 13 अप्रैल, ये इंग्लिश में, ये हिंदी में पॉज कर लो, ये पंजाबी में पॉज कर लो, बाकी ये भी पढ़ लिया। हेलो भाई, यहाँ पर चल रहा है वही शो जैसे पहले वाले उसमें चल रहा था, बट डार्क यहाँ पे आ जा भाई, ये देख लो डिज़ाइन तो बढ़िया ना रही है ना। ये लो दी इंडिपेंडेंट, अच्छा जी, ये देख लो भाई, यहाँ पर एक कॉन्ट्रोवर्सियल बात बोल दूँगा सबके सामने। चार छोड़ो, हमें पसंद नहीं है कॉन्ट्रोवर्सी मारना, फालतू में। ये देख लो भाई, नजारा कौन जलियांवाला बाग, पढ़ लो भाई जिसको जो पढ़ना है यार, अरे स्टडी नेट में पढ़ा दो भाई। यहाँ पर एक तो देखो टोरोग्राफी, गैलरी 1, गैलरी 2, गैलरी 4। तो भाई टोरोग्राफी में ये सब है, लकी बताइए दीदी है ना। हाँ बंद है छोड़ो, गैलरी 1 में ये सब है, ये 11 चीज़ें, गैलरी 2 में ये सब चीज़ें हैं, गैलरी 3 में ये है और गैलरी 4 में ये है भाई। तो जो कि मैंने ऑलमोस्ट दिखाई दिया तुमको सारा, बाकी चलो भाई फर्स्ट फ्लोर तो हम गए नहीं, खैर छोड़ो। ये लो भाई, हो गया अपना एग्जिट, पसीने देख लो भाई, बहुत तगड़े वाला पसीना हो चुका है, बहुत गर्मी हो गई थी। अब सीधा चलते हैं लंच करते हैं, उसके बाद सीधा वागा वाटर के लिए चलते हैं, वागा वाटर के लिए साइड के लिए। अच्छा तो मार्केट आ गई भाई, हमारे पास भी कोई होती तो हम भी ऐसा लेते, जैसे भाई ऐसा ले रहे हैं, पता नहीं किसके लिए, आप किसके ले रहे हो। पकड़ा गया, कोट हो गया भाई, ब्लॉग में भाई बंदा ले रहा है भाई, हम तो ले नहीं सकते भाई। कुल्फी ले लिया, जा रहे हैं, एक बंदा मिला ही पीछे, कहता भाई बात तो सुनो, बहुत फोर्स कर रहा। मैंने कहा चल भाई आज तेरी भी सुनी भाई जी, अपने के लिए वो सूट ले लो वाला, कुर्ता ले लो, पठानी कुर्ता ले लो। मैं कहा भाई पढ़ाए क्या भाई, मम्मी के लिए ले लो कुछ। मैं कहा मम्मी के बहुत सारे हैं, बंदा कहता भाई गर्लफ्रेंड के ले लो। मैं कहा भाई हम पैसे नहीं, कह रहा बाहर निकलोगे भी बन जाएगी। मैं यार क्या दिल्ली तो यार तुम्हारी नहीं है, अरे नहीं है भाई, क्या करनी है तो नहीं है भाई, चल दे भी भाई। फाइनली अपन आ चुके हैं पार्टीशन म्यूजियम, चलो पार्टीशन म्यूजियम भी आज चल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर एसी म्यूजियम है इसलिए। एक्चुअली गाइस हम एसी में बैठने जा रहे हैं कुल मिला के, बाकी म्यूजियम से मतलब नहीं है, बाकी कल दोबारा आएंगे म्यूजियम ढंग से घूमने, अभी सिर्फ हम इसलिए आए हैं एसी के लिए। गर्मी से हाँ, तो हम केवल एसी की हवा खाने के लिए हम अपने पैसे बर्बाद करेंगे, आज भी टिकट लेंगे कल भी लेंगे। पार्टीशन म्यूजियम वो लिखा, टिकट काउंटर ये रहा। सो जी गाइस, फाइनली आ चुके हैं म्यूजियम से बाहर, और दो तीन चीज़ें मुझे मैं तुम्हें बताना चाहूँगा इन ब्रीफ इसके बारे में, ठीक है, जो पर्सनली मुझे थोड़ी बहुत ठीक भी नहीं लगी, ठीक है, बाकी तो सबके अपने अपने अलग अलग ओपिनियन है, मैं तुम्हें सारी चीज़ें बताऊँगा। पहले होटल चलेंगे, ठीक है, उसके बाद अगर मुझे याद रहा तो मैं पक्का बताऊँगा तुम्हें, ठीक है। मगर एक चीज़ है यार, हर जगह फ़ोन अलाउड नहीं है अंदर, बट जब तुम्हारी डोनेशन की बात आई, तुमने वहाँ पर एक बड़ा सा बोर्ड लगा दिया कि भाई 100, 500 रुपये, 1000 रुपये डोनेट करो, वहाँ पर फ़ोन निकल गया, रो कैश भी नहीं, दिस नॉट फेयर। बाकी दो तीन चीज़ें और थोड़ी चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें भी मैं देखते हैं डालूँ या ना डालूँ, मेरा पी होगी, बाकी तो सब
सबके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हैं, बाकी मैं अपना ही बोल सकता हूँ, बाकी किसी को दिखा नहीं सकता। ये देखो भाई अलाउड नहीं है। पढ़ लिया होगा आपने? तुमने पढ़ लिया? ठीक है, क्या लिखा था वहाँ पे? फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। चला तो मैं बाहर चलता हूँ, पहले चल दे अपन वाघा बॉर्डर सीधा, यहाँ से कट लगा के सीधा तुम्हें वाघा बॉर्डर मिलते हैं ना, उसके बाद बाकी बातें करेंगे घर जाके, ओला होटल जाके। ये भाई गेट है भाई, जो एंट्री का बढ़िया है भाई, जो भी है भाई। शिकंजी ले ली, शिकंजी ना इतनी अच्छी नहीं है, सोडा बढ़िया है। अंडा का पाते हैं, ऑटो का वेट करते हैं। तो भाई भैया कहाँ नहीं रहते, मैंने बोला मैं चला लूँ, चलो भाई चले, चल रहे भाई, मैं चला रहा हूँ, भैया कहाँ नहीं रहे, मैं सोचा मैं चला लूँ थोड़ा, मैं भी बोल लेता हूँ, बोल कर लेता हूँ भाई। अगर भैया भाई सही में बता रहा हूँ, 10 मिनट में नहीं आया, मैं खुद चला के लेकर आया हूँ, तुम्हें गूगल मैप में तुम लगा देना, रास्ता नहीं पता था क्या गूगल मैप पे? कार सेलेक्ट करके गूगल मैप में चले जाएंगे। लो जी भाई फाइनली निकल चुके हैं, लोगों ने भी दे दिया। चलो भाई पहुँच चुके भाई यहाँ पर, अभी दे दी हमने फुल पेमेंट, 300 रुपये जो बचे थे। ठीक है, अब देखते हैं कुछ खा पीते हैं फिर आगे चलते हैं। सो भाई बैठे अभी मैगी का वेट कर रहे, थोड़ा लंच वंच हो जाए थोड़ा, और ये अपना शायद बीजेपी का क्षेत्र है, ये बीजेपी का दिखाता हूँ मैं तुम्हें, क्यों कह रहा हूँ ये देखो भाई, इसलिए कह रहा हूँ मैं, भाई थोड़ी बहुत एडवाइस दूंगा। पहली बात, गर्मी में टाइम हो गया तो रिक्शे में बताना, 350 रुपये भूख लेना पर हेड, उस आना तो ऐसी बस से आना, हमने गलती कर दी कोई और मत करना भाई, फूक जाओगे खूब गर्मी में। सर्दियों में ले सकते हो वाला ऑप्शन, बहुत चीप है, इसका भी रेट है 150 रुपये, से ज़्यादा किसी को मत देना, हमने 200 दिए, गलती हो गई हमसे, 150 रुपये इज इनफ आने जाने का। तो बस हम बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस ही बताता है बंदा। सो गाइस अपनी मैगी आ चुकी है, ये है 50 रुपये की मैगी, जिसमें से आधी मैगी मेरे को दिया, आधी मैगी उस बंदे को दिया, 12 रुपये के पैकेट की आधी आधी मैगी, 50-50 रुपये की, बताओ। ओह माय गॉड, मतलब यार बॉर्डर में हो तो मतलब कुछ भी क्या ही कर सकते हैं भाई, कुछ खाया नहीं, खाना पड़ेगा भाई। तुरंत ही सैड पर ऑनलाइन बुक करा, लो भाई एंट्री मिल गई। ओह शिट भाई, सैड पर ऑनलाइन बुक करा 2 मिनट में, और VIP एंट्री फिक्स। फी पर कुछ ना भाई? 0 फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है ब्रदर, इधर से आ, इधर से आ। चलो भाई चलते अभी अपन अंदर। भाई मेरे को नहीं पता, तो मैं बता रहा हूँ, पावर बैंक, चार्जिंग के चार्जर केबल वगैरह, ये सब अलाउड नहीं है, मतलब ना वरना मेरी तरह घूम के तुम्हें एंट्री करा के VIP से जाने का भी फ़ायदा नहीं हुआ। एटलीस्ट ये तो है कि VIP से क्या थोड़ा ये तो मिला कि मतलब कि मेरे को जल्दी एंट्री मिल गया, अगर नॉर्मल से जाता तो भाई और ज़्यादा लगता है। लो भाई फाइनल हो चुका है, अपना सब लॉकर ही, अपनी गाड़ी वाड़ी जिसमें भी हो वहाँ जमा करके आना, हमें तो बताया नहीं, हमारे को दिक्कत पड़ गई। लो गाइस फाइनली एंटर्ड इंडिया पाक बॉर्डर, वाघा बॉर्डर, ये माइक तो शॉर्ट हुआ है, बैटरी बहुत कम है, दिखा नहीं पाऊंगा पूरा, और ये देख लो कुछ कंस्ट्रक्शन पाकिस्तान साइड।
सारा हो चुका खत्म। चलो भाई देख ली ऑर्डर कितना रेट भी आ बढ़िया है, बट थोड़ा वीआईपी लो तो और बेटर रहेगा। फर्स्ट एक्सपीरियंस है, सीख रहे हैं अभी, देखते बाकी नेक्स्ट टाइम आएंगे तो प्रॉपर बढ़िया होकर देखेंगे ना। चलो भाई फिलहाल अभी चलते हैं, और लेट हो चुके अभी बहुत ज़्यादा हो गया, 7:05 हो गए। चलो गाइस चलते हैं। इंडिया फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भाई, चलो थक गए यार पूरा, अब तुम्हें लगता है गोल्डन टेम्पल जा पाएंगे हम? हालत में हो घर जाके कल रात चले गए वही बहुत है। स्टूडेंट जयंती तो आ रहा है हमारे पीछे भाई, सब निकल चुके हैं और चलते हैं यार, बहुत थक चुके हैं। होटल जाके रेस्ट करना, बहुत तगड़ा वाला रेस्ट चाहिए अब भाई। बागा वाटर से बैठ चुके हैं अपने सेम टेम्पो में, अब जा रहे हैं गोल्डन टेम्पल की साइड, प्रवासी मिलता घर का है ना होटल। बस क्यों नहीं है भाई, बहुत अपाउंड हो रहे हैं भाई। टाइम चेक कर लो, 7:45 हो रहे हैं, 2 मिनट आगे और इस बार हम बैठे पीछे वाले इसमें। ये देखो भाई सिनेमैटिक लो। तो भाई चलो अब आ चुके हैं होटल रूम के नीचे, पहले अब देखते हैं हमारा रूम का शिफ्ट करा है उन्होंने, उसके बाद मिलते हैं। आ चुके हैं डिनर लेने, अभी देखते हैं अमृतसरी कुलचा वगैरह कुछ ले लेते हैं ना। चलो भाई शेड पर चलते हैं, फिर उसके बाद सीधा होटल रूम में मिलता हूँ। पता चला ये पार्टीशन म्यूजियम हमारे होटल से वॉक इन डिस्टेंस में भाई। अरे भाई वो देख रहे हो, ये जो ये देख रहे हो मोड, यहाँ पर हमारा होटल आ गया। ये लाए वेज मलाई, वेज है ना? हाँ वेज। और ये रहे हमारे अमृतसरी कुलचे, अभी तुम्हें सब दिखाता हूँ, पहले ये खा लेते हैं, मोमोज चटकाते हैं फिर बताते कैसा है। सही हो रहा है जी, डालने तो लाल वाली डालो, हरी वाली डालो, हरी वाली डालो, हरी वाली डालो, बढ़िया मज़ा आएगा। ऐसे से कुछ प्लेट बनी अपनी बढ़िया वाला, सब कुछ चख लिया, बस छोले रह गए, छोले भी सही है, थोड़े फीके हैं बट ठीक है चलेगा।